जय हिंद। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नजर डालते हैं आज के दिन यानी कि 27 अक्टूबर 2023 को एशियन पैरा गेम्स में भारत को मिले पदकों पर और देखते हैं भारत के किन पैरा एथलीट्स ने आज यहां पर पदक जीते हैं एशियन पैरा गेम्स में। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर एक गोल्ड आया है भारत को पैरा आर्चरी से, जहाँ पर भारत की शीतल देवी ने वुमेन्स कंपाउंड ओपन में यहाँ पर ये गोल्ड भारत को दिलाया है। इसके बाद पैरा एथलेटिक्स में मेंस 1500 मीटर T38 कैटेगरी में भारत के रमन शर्मा ने यहाँ पर एक गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है आज के दिन। इसके बाद पैरा बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स SA6 कैटेगरी में कृष्णा नागर यहाँ पर एक सिल्वर मेडल जीते हैं आज। इसके बाद वुमेन्स डिस्कस थ्रो F37-38 में भारत की लक्ष्मी ने यहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था भारत को आज के दिन। इसके बाद पैरा एथलेटिक्स की एक बार फिर से बात करें तो मेंस जेवलिन थ्रो F54 में भारत के प्रदीप कुमार ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद भारत के लक्षित ने मेंस जेवलिन थ्रो F54 में ही यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके बाद पैरा बैडमिंटन की बात करें तो वुमेन्स सिंगल्स SU5 में तुलसीमती ने यहाँ पर गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को एशियन पैरा गेम्स में। इसके बाद पैरा बैडमिंटन में अगर एक बार फिर से हम लोग नजर डालें तो मेंस सिंगल्स SL6 कैटेगरी में नितेश ने यहाँ पर सिल्वर मेडल एक जीता है। इसके बाद पैरा बैडमिंटन में ही मेंस सिंगल्स SL3 कैटेगरी में प्रमोद भगत ने यहाँ पर गोल्ड दिलाया है भारत को। हालांकि इनसे गोल्ड की ही उम्मीदें थी और इन्होंने प्रदर्शन भी ऐसा ही किया है। इसके बाद अगर हम लोग देखें पैरा आर्चरी में मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में भारत के राकेश कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद पैरा बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स SL4 में सुहास याथीराज ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। इनसे भी गोल्ड की उम्मीदें थी और ये भी खरे उतरे हैं सभी उम्मीदों पर। इसके बाद पैरा बैडमिंटन की बात करें तो मेंस डबल्स SL3 SL4 में नितेश और तरुण की जोड़ी ने यहाँ पर गोल्ड दिलाया है भारत को। इसके बाद पैरा बैडमिंटन में ही एक बार फिर से मेंस डबल्स SU5 में राजकुमार और चिराग ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद पैरा बैडमिंटन की बात करें एक बार फिर से तो वुमेन्स डबल्स में SL3/SU5 कैटेगरी में तुलसीमती और मानसी जोशी की जोड़ी ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है भारत के लिए। इसके बाद पैरा एथलेटिक्स की एक बार फिर से बात करें तो मेंस शॉट पुट F37 में मनु ने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है भारत को। इसके बाद पैरा एथलेटिक्स की एक बार फिर से बात करें तो मेंस लॉन्ग जंप T64 में धर्मराज सोलाईराज ने यहां पर एक गोल्ड मेडल दिलाया है भारत को। इसके बाद पैरा स्विमिंग में मेंस 50 मीटर बटरफ्लाई S7 में सुयश जाधव ने यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल, लास्ट जो आज का मेडल था वो भारत को दिलाया है। इसके बाद अगर हम लोग पदक तालिका पर नजर डालें तो भारत फिलहाल छठे पोजीशन में है आज के दिन और भारत की जो कुल पदकों की संख्या है वो 99 हो चुकी है। आज शाम 6:30 बजे तक ये जो अपडेट आए हैं तब तक भारत 99 पदकों पर है, जहां पर 25 गोल्ड, 29 सिल्वर और 45 ब्रॉन्ज है भारत को। और कल आने वाला है एशियन पैरा गेम्स का आखिरी दिन, तो हम सभी को उम्मीद है 100 मेडल्स तो भारत ऐसे ही क्रॉस कर लेगा और 100 से ज्यादा भी भारत पदक जीत सकता है, यानी कि 104 105 भी पदक भारत को मिल सकते हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। आपको सभी अपडेट्स चैनल पर मिलते रहेंगे, आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।